टॉप 10 अमेजिंग मेथन कार फोर सेल सिमुलेटर। तो यार वापस से आ चुकी है कार फोर सेल की वीडियो। और हाँ गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, प्लीज ये वाली वीडियो को जरूर चेकआउट करना, बिकॉज इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आने वाला है। ऑलमोस्ट मैंने यार नॉट गेमर फ्लीट को हरा दिया है। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, साथ में गाइस एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा। बाकी गाइस आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, बिकॉज काफी सारे न्यू मिथ्स आ चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मिथ नंबर 1, शोरूम में कस्टमर को बुलाओ फिर गेट लगा दो, वो बंद हो जाएंगे। ऑलराइट गाइस, यहां पर मैंने अनसर्न्ड ऑफिस बना दिया है जस्ट यहां पर मिथ को परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले गाइस लैम्बोर्गिनी को डालते हैं इसके अंदर, और मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कस्टमर एकदम परफेक्टली अंदर आने चाहिए। ओके, यहां पर तो जगह सही लग रही है। चलो, तो मिथ के अकॉर्डिंग यहां पर मुझे कस्टमर को बुलाना है अंदर की साइड में, और फिर मुझे यहाँ पर गेट बंद करना है, और गेट बंद करना उसके बाद यहाँ पर ऑफिस भी क्लोज करना है ताकि कस्टमर बाहर आने की कोशिश करें। चलो भाई, सबसे पहले यहाँ पर लगाते हैं कार को सेल पर, और ये रही अपनी लैम्बोर्गिनी। इसको मैं गाइस $1 पे डालूंगा, बिकॉज इसको सेल नहीं करना है, बस यहाँ पर अपने को मिथ कंफर्म करना है। सो गाइस यहाँ पर देखो, लैम्बोर्गिनी को मैंने सेल पे लगा दिया। अब जल्दी से यार कस्टमर का वेट करते हैं। टोटल यहाँ पर 3 कस्टमर आ जाए ना तो अपना काम बन जाएगा। यार काफी इंतजार करने के बाद फाइनली यहाँ पर 3 कस्टमर आ चुके हैं। अब जल्दी से गाइस एक काम करते हैं, ये वाला गेट है ना लॉक कर देते हैं, और देखेंगे गाइस कि अरे मुझे कहाँ अंदर लॉक कर रहा है भाई। यार ये गेट भी कमाल है यार, बाहर से अंदर लॉक कर रहा है मुझे। चलो भाई, यहाँ पर 3 कस्टमर मैंने लॉक कर दिए। अब सबसे पहले ऑफिस को क्लोज करते हैं, और अबे ऑफिस बंद हो गया, जाओ ना घर। अबे तो अटक गए, काम करता हूँ, रिमूव फ्रॉम सेल कर देता हूँ कार को, फिर देखते हैं यहाँ पर कस्टमर बाहर कैसे आएंगे, ये मुझे भी देखना है यार होता क्या है यहाँ पे। तो ये तो फर्स्ट अरे भाई, ओ भाई ये क्या है भाई, ये तो सारे के सारे भूत है क्या भाई, दीवार के आर पार, सॉरी गेट के आर पार आ गए। अरे यार भाई ये क्या मजाक है यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट दीवार लगाता तो भाई अंदर कैसे जाते फिर। तो इसका मतलब गाइस ये दीवार के आर पार भी जा सकते हैं सिवाय अपने को छोड़ के। तो भाई इस हिसाब से ये वाला मिथ तो बस्ट हो गया। मिथ नंबर 2, अगर आप कार को उल्टी करोगे तो आप कार को सेल कर सकते हो। तो गाइस ये तो मैंने भी ट्राई नहीं करा, चलो इसको उल्टा करके देखते हैं। और भाई चलो भाई पलट चुकी, अबे अबे नहीं 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 नहीं, अरे यार भाई इतना मुश्किल से पलटा था भाई इसको, कितनी ठोकर मार चुका हूँ उसके बाद ये मुश्किल से उल्टी हुई थी और वापस सीधी हो गई। यार प्लीज उल्टी हो जा प्लीज प्लीज। और भाई चलो फाइनली भाई, कितनी मेहनत लगी इसको उल्टा करने में। चलो गाइस अब इस गाड़ी को जल्दी से सेल पे लगाते हैं। और गाइस देखो, पोस्ट को तो मुझे सेल करना ही है, तो इसका एक्चुअल प्राइस ही डालते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर मैं डालूंगा $3,00,000, और इसको सेल भी करेंगे हम। तो यहाँ पर देखो, ऑफिस को भी ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो गाइस, मैंने यहाँ पर पोस्ट को सेल पे लगा दिया है। अब कस्टमर का वेट करते हैं कि भाई आते हैं या फिर नहीं, क्या ये कार बिकेगी या फिर नहीं, ये भी पता चल जाएगा। बस गाइस आप है ना टाइम नोट करते रहो, टाइम देखो कितना फास्ट जा रहा है, बिकॉज वीडियो मैंने फास्ट फॉरवर्ड करा है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम गुजर चुका है, लेकिन कोई भी गाइस कस्टमर नहीं आ रहा है, देख सकते हो आप भाई इतना ज्यादा टाइम। इतने में तो भाई कहीं सारे कस्टमर आ जाते हैं। काम करते हैं गाइस, इसकी जो प्राइस है ना थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो मैंने शायद $3,50,000 डाला था, तो इसको एकदम एक्यूरेट 3 लाख कर देते हैं अपन। तो ये भी पता चल जाएगा कि कार उल्टी है, इसकी वजह से लोग खरीदने नहीं आ रहे या फिर कोई और ही वजह, ये भी गाइस पता चल जाएगा हमें। चलो भाई, इसका प्राइस मैंने दोबारा से सेट कर दिया है, अब फिर से वेट करते हैं। तो ऑलमोस्ट गाइस देखो, यहाँ पर रात होने वाली है लेकिन कोई कस्टमर नहीं आ रहा है। यार गाड़ी की प्राइस भी रिड्यूस कर दी है मैंने, लेकिन उसके बावजूद भी कस्टमर नहीं आ रहा है, तो ये वाला गाइस मिथ बस्ट है। मिथ नंबर 3, अपने ऑफिस में शटर वाला डोर लगाओ और उस गाड़ी को नीचे डाल दो, मतलब शटर वाले डोर के नीचे डाल दो, फिर दूर चले जाओ तो होगा मैजिक। तो गाइस फिर से मैंने यहाँ पर एक सस्ता सा ऑफिस बना लिया, और मेरा नेम टैग देखो भाई, जो बोर्ड लगा था वो तो हवा में उड़ रहा है पूरा, ठीक है। ये शायद पहले भी उड़ रहा होगा, मैंने आपको बताया नहीं। तो आप जल्दी से काम करते हैं, यहाँ पर ये जो शटर वाला डोर है इसको गाड़ी पास में ले जाएंगे जब ओपन होता है। चलो भाई, इसको बीच में एकदम अटका देते हैं, और यहाँ से हमें दूर जाना होगा, क्योंकि गाइस अगर रिजोल्यूशन कम होगा ना तो आई थिंक यहाँ पर इस शटर का डोर अपने आप बंद होगा और गाड़ी कहीं दूर उछल जाएगी, ऐसा ही कुछ होगा जहां तक मुझे लगता है। तो गाइस अभी काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं हम, देखो गाड़ी लगभग ढंग से दिख भी नहीं रही है भाई। मैं तो रिपेयरिंग शॉप में आ गया, लेकिन यहाँ पर कुछ भी खास मैजिक नहीं हुआ यार। वापस से पास में चलते हैं इसके, नहीं यहाँ पर तो सब कुछ सही लग रहा है। ये देखो डोर भी एकदम ओपन है, अभी तक बंद नहीं हुआ है, और गाड़ी भी सही सलामत खड़ी है यहाँ पर, तो कुछ खास मैजिक तो हुआ नहीं यार। एक काम करते हैं, इस गाड़ी को है ना एकदम पीछे लेके जाते हैं और जोरदार आगे धक्का मारेंगे, मतलब चलती गाड़ी से उतर जाएंगे, और फिर देखते हैं गेट ओपन होता है या फिर क्या होता है, ये भी पता चल जाएगा। और जंप, और भाई गाइस गेट से गाड़ी टकरा चुकी है, लेकिन गेट ओपन हो गया बाद में हुआ यार गेट, लेकिन कुछ खास मैजिक यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, तो ये वाला मिथ बस्ट है।
मिथ नंबर 4, ब्रो अगर आप अपनी किसी भी कार को उसके 3 गुना प्राइस में बेचोगे तो नहीं बिकेगा, लेकिन अगर आप 15 कस्टमर को रिजेक्ट कर देते हो और आखिरी कस्टमर को अगर सेल करोगे तो वो उसी प्राइस में बिक जाएगा। कहने का मतलब ये है, तो जो पोर्श का एक्चुअल प्राइस है ना, मतलब जितने में मैंने इसको बाय करा था वो करीबन 2 लाख के करीब है, तो इसको मैं 6 लाख में लगाने वाला हूँ सेल पर। तो मैं आपको प्राइस भी एक बार दिखा देता हूँ, ये देखो गाइस 2 लाख में मैंने इसको परचेस करा था। अब जल्दी से इसका प्राइस सेट करते हैं $6 लाख और देखते हैं गाइस 15 कस्टमर को टोटल मैं रिजेक्ट करूंगा आपके सामने। इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है, तो इसीलिए गाइस एक लाइक जरूर कर देना बिकॉज बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर वेट करते हैं 15 कस्टमर को और आप गिनते जाना कितने कस्टमर हुए। तो ऑलराइट गाइस अभी 3 कस्टमर आ चुके हैं, आप जल्दी से यहाँ पर तीनों का मतलब डोंट सेल करना है, मतलब रिजेक्ट करना है। तो देखो यहाँ पर ये तो इसके अंदर ही खड़ी हो गई थी भाई इस आदमी के, चलो भाई इसको भी रिजेक्ट करते हैं। अरे हाँ भाई नहीं लेना, तेरे को नहीं लेना, मेरे को बेचना भी नहीं है, चल तू निकल यहाँ से। और अंकल जी आपको कितने में चाहिए, प्लीज 6 लाख में ले लो तो मैं बेच दूंगा अभी। नहीं लेना, चलो निकलो यहाँ से, डोंट सेल। ओके गाइज अब लगातार गिनते जाना, ये 4th कस्टमर था, ये 5th कस्टमर, ये भी रिजेक्ट, 6th कस्टमर रिजेक्ट, 7th कस्टमर तू भी रिजेक्ट, 8th भाई 9th आ गया है देख लो। तो यहाँ पर बहुत मेहनत लग रही है गाइज, 10th कस्टमर, 11th कस्टमर और ये 12th कस्टमर, इसको भी रिजेक्ट, 13 भाई साहब इतने सारे कस्टमर रिजेक्ट कर दिए मैंने, 14 भाई और ये लास्ट कस्टमर 15, इसको भी करते हैं रिजेक्ट। ओके गाइज अब लास्ट कस्टमर यानी कि 16th कस्टमर आ चुका है और देखते हैं भाई यार ये भी उतना ही प्राइस बता रहा है जितना बाकी सब बता रही है, मतलब यार ये तो बहुत कम बता रही है, मुझे लगा था 6 लाख में ले लेगी। चलो गाइज इस गाड़ी को तो सेल करना ही था, तो एक काम करते हैं इसको 3 लाख 50, अभी ले नहीं रही यार, एक काम करते हैं इसको बता दे $3,20,000 आई थिंक ले लेगी इतने में, तो देखते हैं भाई क्या बोलती है, लेगी या फिर नहीं। ओके यहाँ पर अपनी जो गाड़ी है वो सेल हो चुकी है, बट मिथ के अकॉर्डिंग 6 लाख में सेल होने वाली थी लेकिन नहीं हुआ, तो ये वाला मिथ बस्ट है। नेक्स्ट मिथ, अगर आप अपनी कोई भी कार को सेल पे लगाते हो तो आप दूसरी कार से हिला नहीं सकते। मैं तो हिला सकता हूँ, वो भी बहुत जोर से, कार को। सो ऑलराइट गाइस यहाँ पर मैंने फरारी 3XX को सामने रख दिया, आप जल्दी से इसको सेल पे लगाते हैं और इसको भी सेल नहीं करना है तो आई थिंक $1 सही रहेगा इसके लिए भी। चलो भाई अब जल्दी यहाँ पर अपनी दूसरी कार लेके आते हैं, दूसरी कार अपनी मिज़्दा X7, चलो भाई इससे ठोकेंगे बहुत ही धमाकेदार टक्कर के साथ और देखते हैं फरारी अपनी जगह से हिलती है या फिर नहीं। यार इसको बहुत दूर ले जाऊंगा अगर हिली तो, कसम से बता रहा हूँ। और भाई ये मारी जोरदार टक्कर, भाई यार हिल तो गई अपनी जगह से, भाई बंदे बोल रहे थे हिलेगी तक नहीं, मतलब ये तो हिल गई यार। एक काम करते गाइस और टक्कर मारते हैं, और यहाँ पर कस्टमर आएगा, अब एक कस्टमर आ गया, लेकिन ये कस्टमर वहाँ पे क्यों खड़ा है यार, भाई साहब ये देखो बाहर ही निकाल दी भाई पूरी यहाँ से भाई। ओ भाई एक और कस्टमर आ गया सामने, रुको यहाँ पर इसको आने नहीं दूंगा भाई, बहुत दूर टक्कर मारने, भाई टक्कर मार जल्दी यार, वो पास में चली जाएगी, चला जाएगा जो भी है भाई। अरे यार ये कार की वजह से यहाँ पर अटक गया यार, प्लीज यार वो पास में आ जाएगा, और जोरदार टक्कर मार दे जल्दी यार, ये वहीं पे खड़ा हो जाएगा। और अबे यार मुझे लगा थोड़ी दूर जाके गिरेगी यार, खत्म है मामला। एक काम करते हैं इस और भी कस्टमर आने वाले हैं, तो अभी भी अपने पास है ना मौका, एक काम करते हैं इसके पास जो कार पड़ी ना उसी से टक्कर मार के ले जाते हैं भाई इससे। चलो भाई सुपरा जिंदाबाद, और सुपरा से इतनी जोर से टक्कर मारूंगा कि भाई इतनी दूर जाके गिरेगी ये फरारी, भाई सुपरा के सामने नहीं टिक सकती फरारी जहां तक मुझे पता है। और ओ भाई 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 बहुत सही, चल 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 उठा ले इसको। अरे यार इस साइड में जा रही है, एक सेकेंड, ओके बस भाई साहब ये देखो गाइस इतना दूर लेके जाऊंगा कस्टमर आ ही नहीं पाएगा भाई, इतना दूर लेके जाऊंगा। अरे यार ये गिर गई यहाँ पे, एक सेकेंड कस्टमर आ रहा है क्या कोई, मुझे तो कोई आता हुआ नहीं दिख रहा है सामने से, लेकिन फिर भी मैं इसको काफ़ी दूर ले जाऊंगा। ओके गाइज अभी मैं काफ़ी दूर लेके आ चुका हूँ ये देखो अपने शोरूम से, और यहाँ पर एक कस्टमर, अरे ये लेडी यहाँ तक आई थी, इसके बाद आगे गई नहीं, जबकि कार यहाँ पे मैंने रोकी भी नहीं है यार, मतलब इससे आगे कस्टमर जा ही नहीं सकता, और यहाँ पर ये कार लेने को भी तैयार है, बट कैसे भाई कार तो इतनी ज़्यादा दूर पड़ी है। और ये बंदा भी यहाँ पर अटक चुका है, लेकिन हाँ गाइज एक बात तो है कि अगर हम कार को सेल पे लगाते हैं तो भाई उसको रिमूव मतलब वहाँ से हिला सकते हैं दूसरी कार की मदद से, तो ये वाला मिथ बस्ट है यार। गाइज आज तो कुछ ज्यादा ही मिथ बस्ट हो रहे हैं, कोई ढंग के कमेंट कर दो यार जो कि यार बस्ट ना हो। ओके नेक्स्ट मिथ, आप ड्रैग रेस वाली जगह पर जाकर पोस्टर पर क्लिक करोगे तो मैजिक होगा,
ऑल राइट गाइज, ये रहा ड्रैग रेस एरिया और इसके राइट साइड में ये पोस्टर जो कि न्यू अपडेट के अंदर ऐड हुआ था। चलो गाइज इसके पास चल के इसके ऊपर क्लिक करते हैं और मैं इसके ऊपर लगातार क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी खास मैजिक तो नहीं हो रहा यहाँ पे। और स्क्रॉल भी करके देख लिया और यहाँ से मैंने क्लिक करके भी देख लिया लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा यार इसके अंदर तो। और गाइज काफी टाइम वेट करने के बाद यहाँ पर एक पर्चा इसका ऊपर हो गया, मतलब यहाँ पर अलग अलग एड्स आते रहते हैं और फ्यूचर में जो इनके गेम्स और अपडेट्स आएंगे उनके भी सारे फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल होने, मतलब कि वो जितने भी न्यूज होगी सारी यहाँ पर अपडेट करेंगी। बाकी ये वाला मिथ बस्ट है। नेक्स्ट मिथ, अगर आप अपने ऑफिस के कचरे को ऑफिस से दूर ले जाओ, नेबरहुड में ले जाके फेंक दो और वापस आकर अगर आप ऑफिस का कचरा साफ कर दो तो भी ऊपर ऑफिस इज डर्टी का ऑप्शन लिखा आएगा। ऑल राइट गाइज, न्यू सुबह न्यू कचरा। और वैसे इस पोटली के अंदर भरा हुआ क्या है माल मसाला गाइज, ये भी अभी पता लगाएंगे लेकिन उससे पहले मिथ कन्फर्म बस्ट करते हैं। ठीक है, तो कचरे को मैंने उठा लिया और चलते हैं नेबरहुड में, और नेबरहुड में तो इजीली हम आ ही सकते हैं सभी को पता है। तो यहाँ पर मैं कचरे को एक काम करता हूँ, घर के अंदर चलते हैं और बेड के ऊपर फेंक देता हूँ भाई ये ले। चलो भाई कचरा भी एकदम सेफ रहना चाहिए बिकॉज अगर बाद में पता चला ऑफिस डर्टी ही रह रहा है हमेशा, एक कचरे की वजह से दिमाग खराब हो जाएगा क्योंकि ये घूम गया ना भाई, तो भाई समझ लो ऑफिस हमेशा डर्टी रहेगा। तो यहाँ पर अभी ये सारा कचरा साफ कर देते हैं फिर देखते हैं ऑफिस अपना क्लीन होता है या फिर ये ऑफिस डर्टी वाला ऑप्शन फिर भी आता है। तो यहाँ पर ये वाला कचरा भी उठाया बाल्टी के अंदर और ये कैन, यार ये कैन बड़े मुश्किल से उठते हैं यार, मतलब भागते हुए इनको उड़ा ही नहीं सकते अपन। और ये लास्ट कैन भी मैंने डाल दिया है तो ऑफिस मैंने आज कचरा पूरा साफ कर दिया लेकिन फिर भी ऊपर लिखा आ रहा है ऑफिस इज डर्टी। भाई वो कचरा ऑफिस में नहीं है, वो नेबरहुड में फेंक के आया हूँ मैं भाई, क्या मजा आके गेम का। गाइज मुझे समझ नहीं आ रहा इस कचरे को फेंकने को क्यों बोल रहे भाई, इसके अंदर पैसे वैसे तो नहीं भरे हुए ये मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो यार एक काम करते हैं, इस थैली को फाड़ने की कोशिश करते हैं, अगर फट गई ना तो भाई मजा आ जाएगा, क्या पता पैसे वैसे निकल जाए इसके अंदर। तो पानी से तो कुछ नहीं होगा यार, पानी से मैं भी कहा पानी गिरा रहा, एक काम करता हूँ गाड़ी इसके ऊपर चढ़ाता हूँ। हाँ अगर गाड़ी से पन्नी फट गई ना तो आई थिंक कुछ तो इसके अंदर निकलेगा, कुछ तो कचरा वचरा जो भी होगा पता चल जाएगा, भी पैसे हैं कचरा है जो भी है गाइस। और अरे यार ये तो आर पार हो गई भाई, अगर हम इसको ठोकर मारे तो मतलब ये हवा में उड़ती है और गाड़ी से तो आर पार हो जा रही यार, ये तो अलग ही सीन है बिल्कुल। और नहीं ये देखो गाइस ये आर पार ही निकल जा रही पूरी थैली। चलो गाइस स्टीव के पास चलते हैं, स्टीव भाई ये कचरे की थैली फाड़ दो, आधे पैसे तू रख लेता भाई, क्या मजाक कर रहा है भाई, ये भी नहीं फाड़ रहा यार, इस थैली को फाड़ ही नहीं सकते क्या भाई, यार ये तो कुछ अलग ही सीन है। और यहाँ पर अगर मैं इसको फेंक के देखो फुटबॉल बना सकता हूँ लेकिन गाड़ी से ये आर पार चली जा रही, पता नहीं अलग ही सीन चल रहा है यहाँ पर, नशेड़ी थैली लग रही गाइज मुझे ये भी। चलो भाई डालते हैं डस्टबिन के अंदर इसको भी, तो गाइज ये वाला मिथ कन्फर्म्ड है। नेक्स्ट मिथ, टेस्ला इलेक्ट्रिक कार है फिर भी इसमें फ्यूल भरता है, अरे भाई हाँ ये तो नोटिस ही नहीं करा मैंने, चलो चेक करते हैं ये भी। तो गाइस अभी मेरी किस्मत अच्छी थी कि भाई नेबरहुड के अंदर मुझे टेस्ला मिल गई, बाकी इतनी आसानी से मिलती नहीं है। चलो भाई दिखा देता हूँ, ये देखो गाइस इसके अंदर पेट्रोल भी कम है और इसका नाम भी टेस्ला है M3, टेस्ला M3। तो यहाँ पर कारफोर सेल के अंदर सारी गाड़ियों के नाम बिगड़े हुए हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं इसको फ्यूल पर ले जा रहा हूँ, फ्यूल स्टेशन पे, और यहाँ पर इसमें फ्यूल भरवाते हैं, देखते हैं फ्यूल भरता है या फिर नहीं। ऑलराइट अभी हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप फ्यूल स्टेशन पे और यहाँ पर मैंने टेस्ला को खड़ा कर दिया और फ्यूल भरते कैसे गाइस मैं पहली बार भरने वाला हूँ आज। ओके यहाँ पर मुझे क्लिक करना है, चलो भाई फ्यूल भर तो नहीं रहा एक से, अच्छा मुझे होल्ड करके रखना है भाई, ये देखो तो यहाँ पर ये फ्यूल भर दिया है मैंने भाई टेस्ला के अंदर, लेकिन भाई ये फ्यूल कैसे भाई यार, इसका टैंक अलग लगा हुआ है क्या फ्यूल का, एक सेकंड देखना पड़ेगा फ्यूल फुल हुआ या फिर नहीं। भाई फ्यूल उतना ही है जितना मैं लेके आया था भाई, ये क्या मजाक है, मतलब यार इलेक्ट्रिक कार में फ्यूल नहीं भरता है क्या, नहीं भर रहा है गाइस, नहीं भर रहा है, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है, एक सेकंड अगर मैं यहाँ से डालूँ तो, और भाई अब फुल हुआ है भाई, ये मिथ क्या आधा अधूरा मिथ है क्या, मतलब आधा कन्फर्म्ड आधा बस्ट लग रहा है ये। लेकिन गाइस मिथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर टेस्ला के अंदर फ्यूल तो हमने भर दिया है, गैस कैन से ही भरा हो लेकिन भर दिया है गाइस, तो ये वाला मिथ कन्फर्म्ड है। नेक्स्ट मिथ, कारफोर सेल में इमोशन है, अगर आप ड्रैग रेस वाली गाड़ी को अपने गाड़ी से टक्कर मारोगे तो वो आपसे रेस नहीं करेगा, इसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा, कैसे रेस नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखो ये लेडी खड़ी हुई है और काफ़ी बुढ़ी औरत है लेकिन फिर भी मैं दया नहीं करूँगा यहाँ पे, और भाई मैंने इसकी गाड़ी को भाई सब सुपरा के ऊपर ही उठा लिया है यार, इस ऐसे तो मैं कितना भी दूर लेके जा सकता हूँ इसे, अरे यार ये जंप ना आता ना तो भाई और ज़्यादा दूर लेके जा सकता था मैं। और इसकी गाड़ी की गाइज मैंने ऐसी की तैसी भी कर दी है और ये तो अपने आप ही जा रही। चलो अब उस बुढ़ी औरत के पास चलते हैं और देखते हैं गाइज कि कैसे वो ड्रैग रेस नहीं करती। अरे 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 भाई इसमें ड्रिफ्ट किट तो नहीं लगाया मैंने,
शायद नॉर्मल किट लगा होगा तभी इतना ड्रिफ्ट मार रही है। अरे रुक जा भाई, चलो इसके पास चलते हैं और देखते हैं गाइस कि ड्रैग, अरे यार रात हो गई, लेकिन अगर इसने ड्रैग रेस कर ली ना तो ये वाला मिथ बस्ट हो जाएगा। देखते हैं गाइस क्या होता है। और भाई ये ड्रैग रेस करने को तैयार है, वो भी रात में, और इसकी गाड़ी भी पास में नहीं है, फिर भी ये ड्रैग रेस करने को तैयार है। और ये देखो गाइस यार, रेस भी स्टार्ट हो चुकी है और रात का दिन हो चुका है। भाई किसने बोला कि कार फोर सेल में इमोशन है? यहाँ पे तो गाइस रात और दिन का भी भरोसा नहीं है, इमोशन की बात छोड़ो तुम, ये वाला मिथ बस्ट है। ऑलराइट गाइस, द लास्ट मिथ आ चुका है। अगर आप कार की एक्सपर्टाइज चेक करवाओगे तो कार सेल करने वाला चेंज हो जाएगा। तो कार मार्केट तो बंद पड़ा था, तो मैं आ चुका हूँ नेबरहुड में, और यहाँ पर देखते हैं गाइज कैसे यहाँ पर जो ये सेल कर रहा है, सेलर है मतलब सेल करने वाली, कैसे चेंज होती है। तो यहाँ पर एक्सपर्टाइज मुझे क्लिक करना है, ये रहा एक्सपर्टाइज का ऑप्शन, और इसके मेरे पैसे भी लगने वाले हैं। और यहाँ पर मुझे कोड डालना है, चलो भाई कोड क्या है, X06 डाला। अरे यार एक सेकेंड, जीरो नहीं है, वो ओ है वहाँ पर, X06। अरे हाँ कैपिटल भी डालना पड़ता है यार, मैं भी पागल हो रखा हूँ। X06, अब ठीक है ना, अब तो चेक कर ले भाई। ओके तो यहाँ पर अपनी गाड़ी चेक हो चुकी है और हमें बैक चलना है, चलो भाई। अरे भाई ये बुढ़ी औरत कहाँ से आ गई? अभी तो यहाँ पर एक लड़की थी, बुढ़ी औरत आ गई भाई। ये देखो वाकई में सेलर चेंज हो गया। एक सेकेंड, दूसरी जगह पर चलते हैं, दूसरा कोई सेलर आसपास तो है नहीं, गाड़ी लेके चलते हैं। ऑल राइट गाइस, यहाँ पर हट्टा कट्टा बुड़बक बैठा और सुपरा सेल कर रहा है, इसको तो जरूर परचेस करूंगा। और एक्सपर्टाइज से भाई ये प्राइस कितनी ज़्यादा बता रहा है, $61,000। एक काम करते हैं, यहाँ पर कोड क्या डालना है, 7K5 है ना, 7, अरे यार ये परसेंट हट जा भाई, 5 ठीक है, चलो भाई यहाँ पर एक्सपर्टाइज। और वैसे ये कर क्या रहा है, एक सेकंड मुझे देखने दो, ये क्या कर रहा है भाई, ये कैसे आधी ला रहा है ये? अभी ये ऐसे कैसे चेक करते हैं भाई, तो सिर्फ टायर चेक कर रहा है भाई, मजाक चल रहा है क्या भाई? देखो फालतू में ही कुछ भी चेक नहीं कर रहा इसने यार। और अरे भाई ये फिर से चेंज हो गया सेलर, अभी तो यहाँ पर वो बुड़बक बैठा था काले कलूटा, अब भाई ये कहाँ से आ गया, ये तो अपना ही कैरेक्टर है। और इसने गाइज अपनी गाड़ी की रेट भी कम कर दी है, $56,000 में सेल कर रहा है, $5,000 इसने कम कर दिए। तो यार ये $40,000 में तो नहीं दे रहा है, काम करते हैं यहाँ पर $46,000 बताते हैं इसको, और आई थिंक इतने में तो दे देगा। ओके भाई सुपर अपनी हो चुकी है फाइनली। लेकिन हाँ गाइस, यहाँ पर सेलर चेंज हो जाता है अगर हम एक्सपर्टाइज में जाए तो, ये वाला मिथ कंफर्म्ड है। बाकी गाइस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये जो वीडियो आपके सामने आ रही है इसको जल्दी से वॉच करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड लव यू ऑल।